एक ऐसा कार्टून जिसने बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए। इस कार्टून के बहुत सारे सीन्स या तो प्रेडिक्शंस कह सकते हो ऐसे हैं जो आज के वक्त में सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो इसे हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन आज से 30 साल पहले इस कार्टून में वर्चुअल रियलिटी के बारे में बता दिया गया था। यह है वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिम सिम कार्टून। इस कार्टून ने आज से 30 साल पहले ये तक दिखाया था कि एक ऐसा डिवाइस भी ईजाद होने वाला है जिससे छोटे बच्चों की जबान को समझने में आसानी होगी। इस कार्टून ने यह भी दिखाया कि आने वाले वक्त में इंसान वर्चुअल रियलिटी की मदद से डिजिटल फूड्स को खा सकते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे सिम सिम के कुछ ऐसे ही प्रेडिक्शंस की, तो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी की। एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर हम मौजूद तो होते हैं, लेकिन ये दुनिया रियल नहीं होती। इसके अंदर सारी जो चीजें आपको नजर आती है वो वर्चुअल होती है। कुछ वर्चुअल रियलिटी इतनी एडवांस है कि जिसे आप फील और महसूस भी कर सकते हो। लेकिन आज आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूयॉर्क में एक ऐसा रेस्टोरेंट मौजूद है जहां पर आप वर्चुअल रियलिटी में खाना खा सकते हो और उसे टेस्ट तक कर सकते हो। ये तो रही अभी के वक्त की बात, लेकिन सिमसिम कार्टून ने इसका प्रेडिक्शन साल 2000 में ही कर दिया था। सिमसिम कार्टून के सन 2000 में जब इसका सीजन 11 रिलीज किया गया तो इसके एपिसोड 17 में इस वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताया गया था। इस कार्टून में काफी क्लियर दिखाया गया था कि वीआर ग्लासेस के साथ एक स्ट्रॉ लगी हुई है जिससे ये कार्टून कैरेक्टर्स खाना खाते और पीते हैं। आज के वक्त में बहुत सारी साईफाई मूवीज ऐसी है जहां पर उड़ने वाली कार्स को दिखाया जाता है। पहले तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ फिल्मों में दिखाई जाती थी, लेकिन आज के वक्त बहुत सारी कार की कंपनीज ऐसी है जो इस टेक्नोलॉजी को रियल में लाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका में एक कंपनी जिसका नाम है सैमसंग स्काई, इसने थ्री व्हील एक ऐसी कार को डेवलप किया है जो कि चलने के साथ उड़ भी सकती है। लेकिन अब दोबारा से बात करते हैं सिमसिम के प्रेडिक्शन के। इस फ्लाइंग कार का प्रेडिक्शन 2005 के सीजन 16 में किया गया। इसके 15 एपिसोड का नाम फ्यूचर ड्रामा था जहां पर इस फ्लाइंग कार को काफी अच्छी तरह से दिखाया गया। और आज के वक्त सिमसिम कार्टून की प्रेडिक्शन बिल्कुल सच साबित हो चुकी है। आपको एक चीज पता होगी कि साइंटिस्ट आज के वक्त मार्स पर काफी रिसर्च कर रहे हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर इंसानों की आबादी रह सकती है और हम थोड़े से चेंजेस के बाद इन्हें इंसानों के रहने लायक बना सकते हैं। और आप एलन मस्क को जानते होंगे जो दुनिया के आज के वक्त के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। उनका सबसे मेजर गोल यही है कि मार्स पर इंसानों की आबादी बसाई जाए, और इनकी कंपनी स्पेसएक्स आज के वक्त मार्स पर रिसर्च करने के लिए ही सबसे मेन काम कर रही है। सिमसिम के प्रेडिक्शन की बात की जाए तो साल 2016 में सिमसिम ने लोगों को मार्स का टूर करवाया था। 13 मार्च 2016 को सिमसिम कार्टून का सीजन 26 लॉन्च किया गया। इसके एपिसोड 16 में इस स्पेस टूर को बताया गया था। इसमें कार्टून कैरेक्टर जिसका नाम लीसा था वो मार्स पर जाने के लिए एक टिकट खरीदती हुई नजर आती है। इसी एपिसोड के एंड में सर 2051 का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें दो कार्टून कैरेक्टर्स मार्स पर रह रहे होते हैं। इस कार्टून में इस पूरे सिनेरियो को दिखाया गया है कि किस तरह स्पेसशिप मार्स पर लैंड होने वाला है, किस तरह इंसानों की कॉलोनीज मार्स पर बनाई जाएगी। आज के वक्त देखने वाली बात यह है कि सिमसिम कार्टून की ये प्रेडिक्शन किस वक्त सही साबित होती है। आज के वक्त में आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर रखा है। रोबोट्स के साथ एआई को इंटीग्रेट करके ऐसे ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो खुद की प्रॉब्लम्स को काफी अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं और इंसानों के किए गए सवाल और एक्टिविटीज का सही तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन सिमसिम कार्टून ने इन एआई रोबोट्स के रिलेटेड कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस की है जिसे सुनकर शायद आप और हम परेशान हो सकते हैं। साल 2012 में सिमसिम कार्टून का सीजन 23 लॉन्च किया गया। इसके एपिसोड 7 का नाम देन रोबोट्स था। इस एपिसोड में ये दिखाया गया था कि सिमसिम का बॉस सारे एम्प्लॉयज को उनकी ऑफिसेज से निकाल देता है। आगे के सीन्स में दिखाया गया कि ऑफिस में अब इंसानों की जगह रोबोट्स काम कर रहे थे और ऑफिस में रोबोट्स के काम करने की वजह से अब किसी भी तरह के मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और आज ये बिल्कुल ही साफ देखा जा सकता है कि दुनिया भर में इंसानों की जगह आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों में रोबोट्स जगह ले रहे हैं, और जहां पर मैन पावर का इस्तेमाल किया जाता था आज वहां ऑटोमेशन के जरिए रोबोट्स और मशीनें काम आ रही है। ऐसी ऐसी जगहों पर रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके बारे में शायद आप नहीं सोच सकते। वो चाहे किसी हॉस्पिटल का रिसेप्शन हो या किसी होटल का रिसेप्शन, वो चाहे खाना पहुंचाने का काम हो या डिलीवरी का काम, हर जगह आज के वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स को इंटीग्रेट करके इस्तेमाल किया जा रहा है।
अब बात करते हैं 2015 में सिमसिम के रिलीज होने वाले एक एपिसोड की। इस एपिसोड का नाम था बार टू द फ्यूचर। इस एपिसोड में दिखाया गया कि सिमसिम एक साइन बोर्ड के ऊपर से ट्रेवल कर रहा है जिसके ऊपर ट्रम्प 2020 लिखा गया था। 2017 में ट्रम्प रियल में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और आज के वक्त इनकी प्रेसिडेंसी खत्म हो चुकी है। लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प ने ये ऐलान किया है कि वो 2024 में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में दोबारा से पार्टिसिपेट करेंगे और सिमसिम के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग में भी हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में ट्रम्प दोबारा से जीत सके। दोस्तों, इन सारे सिमसिम के प्रेडिक्शंस को देखकर यही समझ में आता है कि इस सिमसिम कार्टून को चलाने वाले लोग कोई बहुत हाई पावर या तो कोई ऐसी अथॉरिटीज है जिनके हाथ में सारी कमान और सारे देश की बागडोर होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल साबित हुई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।